अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं यूट्यूबर ज़रूर हूँ लेकिन कुकिंग चैनल की हूँ, व्लॉगर्स नहीं हूँ। और मैंने कभी हर जगह जाके ही वीडियो बनाई भी नहीं, फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो है। ये ग्रीन लाइन बस जो चलती हैगी उसकी वीडियो हैगी, और नुमाइश से हम अंदर इंटर हो रहे हैं। बाहर रोड की मैं नहीं ले पाई हूँ क्योंकि बाहर रोड पर मैं मोबाइल ही नहीं निकाल पा रही थी, कोशिश के बावजूद भी। अच्छा, हम नुमाइश से आए और ये अंदर की तरफ हम इंटर हुए हैं। ये देखें, ये मैं अंदर की तरफ सीढ़ी उतर चुकी हूँ। ये हमारी सीढ़ी है, सही है। अब सीढ़ी भी हैं और हमारे लिए वो दूसरी भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कि ऊपर के ज़रिए हम यूँ जा सकते हैं। बहुत सहूलतें लगी मुझे, बहुत अच्छा लगा तो मैंने वीडियो बनाई है। ये देखें, इसका व्यूज़ देखें कितना प्यारा आ रहा है। ये जो है इसकी टिकट की मशीनें हैं जो कार्ड के ज़रिए कहीं होती होंगी ये, लेकिन मुझे पता नहीं है क्या, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ, लेकिन लोग मुझे बता रहे हैं कार्ड के ज़रिए होती है। अच्छा, वहाँ से देखिए, मेरी फ्रेंड टिकट ले रही थी, 55 रुपये का एक टिकट पे, तीन हम बंदे थे। बुरा नहीं है क्या? आप नुमाइश से जा रहे हैंगे हम सरजानी। अच्छा, कहीं पर भी जाएँ रेड एड एक ही है इसका, ठीक है। अच्छा, ये देखें टिकट ले ली गया है, और जो टिकट मुझे मिला है वो स्कैन करा है इन्होंने। स्कैन के बगैर वहाँ कोई भी बंदा नहीं जा सकता आएगा, सही है, बस की तरफ। अगर स्कैन नहीं करेंगे, टिकट नहीं होगा, तो आपको अंदर का दाखिला ही नहीं हो सकता। अभी सीढ़ियों के ज़रिए हम नीचे गए। सेफ्टी बहुत है, मुझे बोली हूँ ख़वातीन को लिहाज से तो बहुत अच्छा लगा, नहीं तो इस तरीके से बना हुआ जाते हुए मुझ जैसी ख़वातीन घबराएगी अगर अकेले जाओ, लेकिन सेफ्टी हैगी। और अकेली बहुत ख़वातीन मैंने देखी जो आ रही हैं। अच्छा, ये हम लाइन में खड़े हुएंगे, और क्योंकि बस आई और बस फुल होके जा चुकी थी, तो मेरे दोस्त ने बोला 5 मिनट बाद दोबारा बस आ जाएगी। वाकई में 5 मिनट भी नहीं लगे, दोबारा बस आ गई। ये देखें, अब मैं जो सरजानी से मुसाफिर आए वो मैं दिखा रही हूँ जो उतरे। अच्छा, इसकी एक साइज़ में से मेल उतरेगा और दूसरी साइज़ से वोमेन उतरेगी, यानी कि मेल और फीमेल का बहुत ख्याल रखा गया है, बहुत सेफ्टी है। मेल अलहदा चल रहा है, फीमेल अलहदा चल रही है, ऊपर भी चढ़ना, बस में जाने का भी रास्ता यही है। कुछ भी बदतमीज़ी इसमें बिल्कुल ही से नहीं है, जैसी और बसों में होती है। ये देखें, 5 मिनट नहीं हुआ दूसरी बस आ गई, और हमें कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी इसमें जाने के लिए, आराम से सहूलत से हम जा रहे हैंगे। ये देखें, अच्छा ये भी नहीं कि बहुत देर लगेगी हमें बैठने में, 2 या 3 मिनट नहीं लगेंगे, हम इसके अंदर बैठ जाएंगे और ये चल भी देगी। ये देखें, हमें सीट मिल गई हैगी, और जिनको सीट नहीं मिली है वो खुशी खुशी बोलते हैं हमें खड़े खड़े का सफ़र चाहिए, और वो खड़े खड़े सफ़र कर लेते हैं। हमारी बस चल चुकी है माशाल्लाह से। ये देखें, मैं इसको आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखें, एक स्टॉप आया, ये देखें बड़ी सफाई, बड़ी ही सफाई हैगी, और जो इसका स्टाफ है बहुत ही अच्छा ऐसा लगा, पढ़ा लिखा स्टाफ है, कोई बदतमीज़ी नहीं। स्लीपर से लेके गार्ड से लेके इसका स्टाफ तलक बहुत अच्छा आएगा। मुझे इनका माहौल बहुत पसंद आया जब भी मैं ये वीडियो बनाई है। और मसला ये है बताने का कि इसको चले हुए 1.5 से 2 साल हो गया या 1 साल हो गया, लेकिन कोई कमी नहीं आई है इसकी सर्विस में, सफाई में, सुथराई में कुछ भी कमी नहीं आई है। ये देखें, एक स्टॉप आया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये दर गेट खुद खुल जाते हैं एक स्टॉप आने के बाद, जिसने आना है वो आएगा, जिसने जाना है वो जाएगा, और 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको गेट को बंद होने में। ये देखें, और ये 2 मिनट भी नहीं लगे और ये चल दिए, बस समझ लें। इसकी ये चीज़ अच्छी है, स्टॉप इसमें तकरीबन 6-7 होंगे, लेकिन पता भी नहीं चलता ये रुकी कब और चली कब, ऐसी भरपूर लगा हुआ है।
इस बस के अंदर जहाँ हम उतर रहे हैं चढ़ रहे हैं उसमें भी ऐसी भरपूर है, और 2 मिनट से ज़्यादा ये रुकती भी नहीं है कि जिससे कि और हम रोडों पे जाते हैं लोग बोलते हैं डबल है डबल है, इस तरीके से कोई कहानी नहीं है। ये टाइम ही नहीं लगता है सरजानी पहुँचने में। अच्छा ये भी बता दूँ आपको कि रोड तो कुछ हो ही नहीं सकता इसका ख़राब, क्योंकि इसका ऊपर एक ही बस चल रही है, दुनिया की नहीं बसें चल रही हैं बहुत सहूलत से। अगर लोग खड़े हुए भी हैं कोई उछल नहीं रही, कोई धक्के नहीं लग रहे, सुकून से लोग खड़े हुए हैं। और बल्कि मैं आपको बार बार दिखा भी रही हूँगी जो जिस तरीके से लोग खड़े हुए हैं। ये बाहर का व्यूज़ दिखा रही हूँ मैं आपको, जो कि वाकई में देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा लगा मैं कराची में नहीं हूँ, किसी और जगह पे हूँ इस बस में बैठने के बाद। वरना तो आपका पता है कराची का तो अल्लाह ही मालिक बना हुआ है आजकल। पहली बार हुकूमत ने इसका काम बहुत अच्छा कराएगा, पहली बार महंगी भी नहीं है, सेफ्टी भी हैगी और सहूलत भी हैगी, गर्मियों के लिहाज से तो बहुत अच्छी चीज़ हैगी। और मैं फर्स्ट टाइम देखी बैठी थी तो मैंने बोला व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। ये देखें खड़े हुए भी लोगों को पता नहीं चल रहा है ये चल रही हैगी, कोई भी नहीं, नॉर्मल तरीके से चल रही हैगी। ख़वातीनें भी बहुत खड़ी हुई हैं, ये देखें ये गेट खुला, अब आप खुद देखें ये गेट आपके सामने खुलाएगा और बंद होने में कितनी देर लगाएगा, कोई ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, पता भी नहीं चलेगा, स्टॉप भी आ गया और आगे बस भी चल देगी। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कोई देर इतनी नहीं लगती हैगी। ये देखिए अब आपके सामने की बात है, ये ओपन भी हुआ ये बंद भी हो गया, अगर स्टॉप भी है, अब हमारा स्टॉप आ चुका है सरजानी का, हम लोग उतर चुके हैं माशाल्लाह से सही सलामत। अच्छा अब ये लाइन थोड़ी यूँ है कि जब तक स्कैन नहीं होगा हमारा टिकट तो हम जा भी नहीं सकते। और मैं इनकी एक आवाज़ आपको ज़रूर सुनाऊँगी, ये तो यकीन माने इतनी प्यार से रिसीव करते हैं ये लोग, इतने प्यार से जो है ये लोग हमसे बात करते हैं, दिल खुश हो गया। आपने खुद ने सुना उसकी आवाज़ कितने प्यार से उसने बोला जाइए। अच्छा हम सरजानी आ चुके हैं खैरियत से, अब मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाऊंगी। इसमें रास्ते इन्होंने 3 दिए, एक लिफ्ट का भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सहूलतें लगी मुझे इसके अंदर, ये देखें ये सीढ़ियों का रास्ता हो गया, ये लिफ्ट का रास्ता हो गया और बैक साइड पे चेयर का रास्ता है। अच्छा ये सब चीज़ें दिखाने का मतलब ये था कि वाकई में बहुत अच्छा काम किया, इसको गुड और नाइस कहना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।